के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में 36,54,00,000 की लागत से 17 परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। कहा, खिलाड़ी जितना ऊर्जावान होता है उतना ही होता है अनुशासित। गोरखपुर में होने वाले किसान मोर्चा के सम्मेलन की तैयारी बैठक करने के पश्चात सीएम योगी बस्ती जनपद के लिए हुए रवाना। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे किसान सम्मेलन को संबोधित। पुलिस आरक्षी परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए मुन्ना भाई गिरफ्तार। एसएसपी ने कहा, मुकदमा दर्ज करके होगी विधिक कार्रवाई। गोरखपुर से उड़े वायुसेना के जगुआर विमान का कुशीनगर के हितिमपुर में हुआ क्रैश। आईजी ने कहा, पायलट सुरक्षित, नहीं हुई कोई जनधन की हानि। शासन के विकास परक योजनाओं के प्रगति और क्रियान्वयन की मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में नवनिर्मित कुश्ती हाल का फीता काटकर किया उद्घाटन। जनपद के 30 केंद्रों पर संपन्न हुई पुलिस आरक्षी एवं पीएससी में सीधी भर्ती परीक्षा। एसएसपी ने किया परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण, व्यवस्था से दिखे संतुष्ट। कहा, सुचिता पूर्वक संपन्न हुई परीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पोर्ट्स कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सिंथेटिक हॉकी मैदान का फीता काट कर किया उद्घाटन। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी एवं उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक आरपी सिंह ने कहा, गोरखपुर और पूर्वांचल में नहीं था स्टोटर। विधायक फतेह बहादुर सिंह ने ग्राम सभा लक्ष्मीपुर के नगवा व बुड़ैली में विभिन्न कार्यों का किया शिलान्यास। कहा, केंद्र एवं प्रदेश की सरकार जनता के विकास के लिए समर्पित भाव से कर रही है कार्य। गुरु गोरखनाथ मंदिर में लगा है श्रद्धालुओं का तांता। बाबा गोरखनाथ को प्रसाद चढ़ाकर लोग मांग रहे हैं मन्नत। निरस्त समायोजन की बहाली के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने दिया एक दिवसीय धरना। और मंडल स्तरीय खादी एवं ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का रंगारंग हुआ समापन। कुशीनगर खादी ग्राम उद्योग सेवा संस्थान सपहा को खादी में और बालाजी ग्राम उद्योग सेवाश्रम को ग्राम उद्योग में मिला प्रथम स्थान।